कोटनूर में जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भारत रत्न फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उनके स्टैचू के साथ जो डिस्क्रिप्शन किया गया है उसको सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया उसको कंडेम करती है और गुलबर्गा एडमिनिस्ट्रेशन से गुलबर्गा पुलिस डिपार्टमेंट से ये डिमांड करती है कि ऐसे जो लोग हैं उनको सख्त से सख्त कार्रवाई करें। और हम बार बार देखते हैं कि जब भी अंबेडकर स्टैचू के ऊपर डिस्क्रिप्शन होता है या गांधी जी के स्टैचू के ऊपर डिस्क्रिप्शन होता है या कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हमले किए जाते हैं मामूली धाराएं लगाकर उसको भी फाइनल रिपोर्ट डालकर ऐसे जो केसेस को ठंडे बक्से में रखा जाता है उसी को देखकर ये साजिश करने वाले उसको एग्जाम्पल मानकर बार 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 हमारे आस्था के साथ हमारे जो हम जिसको बड़े मानते हैं उनके उनके साथ खेलने की कोशिश करते हैं। एक एग्जाम्पल गुलबर्गा पुलिस यहाँ पर सेट करना चाहिए कि जो लोग भी इसके पीछे हैं उनको सख्त से सख्त आईपीसी सेक्शन लगाकर उनको गुंडा एक्ट ओपन कर उनको कार्रवाई करना है और ये देखना है कि पूरा ये केस उनको जेल भेजा तक पूरा केस कंक्लूड होने तक इसके पीछे चलना है। फिर 2-3 महीने के बाद इसको ठंडे बक्से में नहीं डालना है। अगर ऐसा करेंगे तो फिर थोड़े दिनों के बाद ऐसे जो साजिश करने वाले फिर ऐसे ही करते रहेंगे। और मैं तमाम जो दलित लीडर्स हैं सोशल एक्टिविस्ट हैं जो बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को मानते हैं और इनकी विचारधारा को मानते हैं उन सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे जो प्रोटेस्ट हो पीसफुल हो और तमाम जो गुलबर्गे के जो बाहर से जो हमें फ़ोन आ रहे थे बार बार कि गुलबर्गे में क्या चल रहा है उन सबसे मैं उन सबको मैं बताना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अब गुलबर्गा में पीसफुल माहौल आ चुका है। दलित लीडर्स पूरा उनसे बात हुई है सभी जगह के अलम प्रोटेस्ट स्टॉप हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि अगर ये जो इसके पीछे जो प्लानिंग कर रहे हैं जो लोग इसके ऊपर अगर जल्द से जल्द उनको अरेस्ट नहीं करें तो हम सब मिलकर एक प्लान तरीके से आने वाले दिनों में प्रोटेस्ट करेंगे बोलकर डिस्कशन हुआ है। मैं तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि नेगेटिव मैसेज और माहौल ख़राब है बोलकर जो मैसेजेस जो फैल रहे हैं उसको बंद कीजिए। गुलबर्गा पीसफुल है अब शांति आ चुकी है। जो लोग भी व्हाट्सएप के ज़रिए से गुलबर्गा अनरेस्ट है बोलकर जो फैला रहे हैं मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि स्टॉप कीजिए। अब अल्हम्दुलिल्लाह गुलबर्गा एक पीसफुल माहौल में आ चुका है। शुक्रिया। आज जो गुलबर्गा शहर के अंदर कोटनूर डी में जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो संविधान शिल्पी हैं उनके स्टैचू पर जो स्टैचू का उनका जो अपमान किया गया है उनका जो इंसल्ट किया गया है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPA गुलबर्गा उसकी कड़ी निंदा करती है। हम कंडेम करते हैं जिस तरीके से बाबा साहेब अम्बेडकर के स्टैचू का अपमान किया गया है हम इसको खत्तई बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये जो लोग भी किए हैं उनको कड़ी सी कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और इमीडिएटली उनको अरेस्ट भी करना चाहिए। और हम दलित समाज से और बाबा साहेब अम्बेडकर साहब के मानने वाले उन तमाम लोगों से ये गुजारिश करते हैं कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPA गुलबर्गा उनके साथ है उनके इस एहतजाज में और उनके इस प्रोटेस्ट में और उनके जो ये जो हाल ये जो कंडीशन है इस कंडीशन में हम उनके साथ हैं। हम बाबा साहेब अम्बेडकर की संविधान को मानने वाले लोग हैं और जो लोग संविधान को नहीं मानते और बाबा साहेब अम्बेडकर के जो 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 चीज थॉट्स हैं उन थॉट्स को नहीं मानते वैसे लोग ही ये हरकत किए हैं। हम उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देने की डिमांड करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और कर्नाटका सरकार से कि ऐसे जो लोग भी जो लगातार यहाँ पर दलितों मुसलमानों क्रिश्चनों के ऊपर जो लगातार ये जो अटैक कर रहे हैं ये ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करें और इनके ऊपर UAPA और गुंडा एक्ट लगाकर इनको जेल के सलाखों के पीछे डाला जाए।